हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भट्ट मैम। हम EMW का भी लेक्चर 3 देखेंगे, यूनिट 1, सेफ्टी टूल यूज्ड इन वायरिंग। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेफ्टी? एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स हैंडी टूल्स किट्स फॉर सिंप्लिसिटी, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी पर्पसेस। मतलब जब भी आप इलेक्ट्रिकल कोई काम करते हो तो उसके लिए आपको टूल्स तो लगेंगे ही, ठीक है। आपको सेफ्टी टूल्स इम्पॉर्टेंट है कोई भी इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए, जिस वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है। द बेसिक टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर्स कैन हेल्प टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, बट फॉर अ स्पेशलाइज्ड जॉब लाइक वायरिंग एंड लाइटनिंग अ स्पेशल टूल किट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉर ईज ऑफ वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड टू अचीव क्वालिटी वर्क, इट इज रिकमेंडेड टू सिलेक्ट स्टैंडर्ड टूल्स। सेफ्टी इज गिवन प्रायर इम्पोर्टेंस टू प्रिवेंट फेटल एक्सीडेंट्स वाइल वायरिंग इंस्टॉलेशन वर्क। एन इंजीनियर नीड्स टू बी वेल एक्वेंटेड विद द सेफ्टी टूल्स इन टर्म्स ऑफ मटेरियल क्वांटिटी, इट्स मेक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ईज ऑफ वर्क, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ टूल। सेफ्टी टूल्स फॉर वायरिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन से सेफ्टी टूल्स है वायरिंग के लिए। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। ये है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। साइज अवेलेबिलिटी क्या है इसकी? 150 mm एंड 200 mm अकॉर्डिंग टू लेंथ, साइज में वेरी, ओके। मटेरियल क्या है हमारा? मेड ऑफ स्टील विथ और विदाउट इंसुलेशन। किस मटेरियल से बनता है ये कॉम्बिनेशन प्लायर? स्टील से, विथ और विदाउट इंसुलेशन। इंसुलेटेड प्लायर्स इज यूज टू ऑपरेट ऑन लाइव कंडक्टर्स टू प्रिवेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द ह्यूमन बॉडी। जो इंसुलेटेड प्लायर से वो हम कब यूज करेंगे? जब हम लाइव कंडक्टर्स पे काम करते हैं उस टाइप पे। पर्पस क्या है? प्राइमरीली यूज फॉर वायर ट्विस्टिंग, कटिंग, क्रिपिंग ऑफ राउंड एंड फ्लैट जॉब्स। मतलब यूज किसके लिए करते हैं हम इसे? वायर ट्विस्ट करने के लिए, कट करने के लिए, ग्रिप करने के लिए, ठीक है। मेंटेनेंस क्या है उसका? इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ हैमर, ठीक है। हैमर की तरह आपको इसे यूज नहीं करना है। प्रिवेंट फ्रॉम रस्ट, मतलब आपको प्रिवेंट करना है रस्टिंग से। हॉट सब्सटेंस ग्रिपिंग शुड बी अवॉइडेड, प्रिवेंट कटिंग और हार्ड्स ऑफ हार्ड सब्सटेंसेस कंटेनिंग स्टील। इंसुलेशन शुड नॉट बी डैमेज्ड, अगर इंसुलेशन डैमेज होता है इसका तो क्या होगा? आपको शॉक लग सकता है जब आप लाइव वायर पे काम करते हो, ठीक है। एंड लुब्रिकेट द मूविंग पार्ट, ताकि वो रस्ट ना हो सके, ठीक है। इसीलिए हम उसे क्या करेंगे? लुब्रिकेट करेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग नोज प्लायर। ये है फ्लैट लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है। साइज अवेलेबल क्या है इसमें? 100 mm, 150 mm एंड 200 mm। मटेरियल इज मेड फ्रॉम स्टील। टाइप्स क्या है? फ्लैट एंड राउंड नोज प्लायर। पर्पस क्या है? यूज फॉर होल्डिंग, टाइटनिंग एंड लूजनिंग। ये पहला क्या है हमारा? फ्लैट नोज प्लायर। इट इज यूज फॉर होल्डिंग फ्लैट ऑब्जेक्ट्स लाइक हेक्सागोनल नट्स एट द प्लेसेस वेयर अदर प्लायर्स कैन नॉट रीच, ठीक है। नेक्स्ट है राउंड नोज प्लायर, ओके। इट इज यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस: मेकिंग लूप्स ऑफ वायर्स एंड हुक्स ऑफ विद इन 3 वायर्स, कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग वायर्स इन नैरो लोकेशंस, टाइटनिंग एंड लूजनिंग स्मॉल नट्स इन नैरो लोकेशंस, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग होल्स। नेक्स्ट है चैनल लॉक प्लायर्स, ठीक है। ये हमारा चैनल लॉक प्लायर्स। इट इज़ अ स्लिप जॉइंट प्लायर। दे हैव नॉच्ड जॉज, जनरली सेट 45 to 60 degrees फ्रॉम द हैंडल्स, ठीक है। ये क्या होगा? 45 to 60 degrees रहेगा। नेक्स्ट इज साइड कटिंग प्लायर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन्समन प्लायर, ठीक है। साइज अवेलेबल क्या है उसमें? 75, 100, 150, 200, 250 and 300 mm। पर्पस क्या है? कटिंग, पुलिंग एंड निपिंग द इंसुलेशन फ्रॉम वायर। इट्स ब्लंट वाइड नोज इज यूज टू ट्विस्ट वायर बिफोर अ नट और एनी अदर डिवाइस, आर्मेचर वाइंडिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क, रेडियो असेंबली।
नेक्स्ट इज स्क्रू ड्राइवर. दिस टूल इज मेड ऑफ हार्डन स्टील एंड टेम्पर्ड एट द टिप. इट इज यूज्ड टू लूजन और टाइटन स्क्रूज विद स्लॉटेड हेड्स. दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप्स एज पर रिक्वायरमेंट. ठीक है, स्क्रू ड्राइवर्स के कौन से टाइप्स है भी वो देखते हैं. स्क्रू ड्राइवर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन टू बी परफॉर्म. ठीक है, कौन से स्क्रू ड्राइवर्स के टाइप्स. स्टैंडर्ड और फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, फिलिप स्क्रू ड्राइवर, स्टबी स्क्रू ड्राइवर एंड एलन स्क्रू ड्राइवर. फर्स्ट इज स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर. ये है हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर. द ब्लेड टिप इज वेज्ड शेप एंड लुक्स सिमिलर लाइक अ मैथमेटिकल निगेटिव साइन. इट इज यूज्ड टू ड्राइव स्क्रूज विद स्ट्रेट लीनियर नॉच इन देयर हेड्स. दे आर फ्लैट हेडेड स्क्रू ड्राइवर्स इन मेनी साइजेस. द स्लॉट्स इन फ्लैट हेड स्क्रूज डोंट जस्ट रिक्वायर अ वाइडर टिप एट द साइज ऑफ द स्क्रू इंक्रीजेज. इट ऑल्सो नीड्स टू बी थिकर. फ्लैट हेडेड स्क्रू ड्राइवर्स वेराइज इन थिकनेस इन अकॉर्डेंस टू देयर विथ टू प्रोवाइड एक्सेलेंट ग्रिप इन द स्लॉट ऑफ द स्क्रू. द प्रिंसिपल ड्रॉबैक ऑफ अ फ्लैट हेडेड स्क्रू ड्राइवर इज दैट इट्स प्रोन टू स्लिपिंग आउट ऑफ द स्क्रू स्लॉट. सो चूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर दैट फिट्स जस्ट राइट इज की टू करेक्ट यूज. ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर.